वन इज एफर्ट विद वरी, सेकंड इज एफर्ट विदाउट वरी, कौन सा बढ़िया है, चिंता युक्त या चिंता मुक्त? वन इज अफेक्टेड कंसिस्टेंसी एंड अनदर इज अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। परेशान है लेकिन लगे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन लगे हुए हैं। क्या है कि कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन, मतलब रिजल्ट। रियलिटी आप बदल नहीं सकते, तो इस फॉर्मूले को समझते हैं, रियलिटी प्लस मेंटेलिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, पुरुषार्थ है, एफर्ट है, नो रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर एफर्ट। सक्सेस और फेलियर दोनों ऑलवेज रिमेन सेम, दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू रिमेन विदाउट पेन। फोर टाइप ऑफ एक्शन, सबसे नीचे कैटेगरी का है कि नो एक्शन, कुछ नहीं करना, बैठे रहना, कुछ नहीं करना, नो में रहना। सेकंड इज इनकंसिस्टेंट एक्शन, बरसाती मेंढक की तरह, बरसात आई तो फुदक के आगे, नहीं तो बैठे। एक होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, लगे हुए करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रोते रोते लेकिन किल किल कर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं लेकिन चल रहा है। अक्सर पति पत्नी के बीच में ऐसे ही है, अफेक्टेड है, डिस्टर्ब है लेकिन चल रहा है। क्या बोलती है पत्नी, तुमको तो मैं कब का छोड़ देती अगर ये बच्चा ना होता। कृष्णा सेज अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। सक्सेस और फेलियर दोनों सेमीफाइनल है, अभी फाइनल बाकी है। एफर्ट को फोकस करो, पुरुषार्थ को फोकस करो, कर्म को फोकस करो। रियलिटी को नहीं बदला जा सकता, मेंटेलिटी हमारे हाथ में है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशन। कृष्णा क्या बोलते हैं, कंडीशन कुछ भी हो, कंसिस्टेंट एक्शन होते रहना चाहिए, तभी न्यू पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। क्या